दबंग के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है, सिर्फ दबंगों के लिए थाना खोले जाते हैं। आप भरोसा रखिए, मेरे जाने के बाद कभी आपने सुना है जहां न्याय न मिला हो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में लगातार अपराधियों का बोलबाला चल रहा है, लगातार आपराधिक घटनाएं बिहार में हो रही। अगर हम बात करें राजधानी पटना की, तो पटना में भी अपराधी जो है वो बेखौफ होते हुए नजर आ रहे हैं। और एक तरफ अगर हम बात करें जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की, तो कहीं भी घटना होती है तो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंच जाते हैं उन परिवारों से मिलने के लिए। देखिए, बीते दिनों दानापुर के लोहार गली में एक राहुल कुमार नामक व्यक्ति को अपराधियों ने अपना निशाना बनाया और गोली मारकर उस व्यक्ति की हत्या कर दी, जिसके बाद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। वहां राहुल कुमार की जो परिवार है उनसे मुलाकात की और देखिए किस तरह से लिपट कर जो उनकी परिवार के लोग हैं वो पप्पू यादव से मिल रहे हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव थाने पर खूब बरस रहे हैं, एमपी एमएलए को भी नहीं छोड़ रहे। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। यदि सुर्खियां नहीं बटोरना हो टीवी चैनल का, तो एक बार इस परिवार को भी न्याय दिलाने की कोशिश करें। सिर्फ सुर्खियां बटोरने और जाति या पाति या धर्म मजहब करने से दुनिया नहीं चलती है एमपी साहब विधायक, इसलिए न्याय मिलेगा आप उम्मीद रखिए। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल है, क्या कभी गरीब को जस्टिस इस बिहार में मिलेगा? क्या कभी मिडिल क्लास को जीने का और आज़ादी के साथ जीने का राइट कभी दूसरे कास्ट को कभी किसी को मिलेगा? क्या जो दबंग जाति नहीं है क्या उसको जीने का राइट नहीं है? रखा जा चुका है इस सिस्टम का, और सिस्टम चलाता नेता है उनको लगता है कि इसका वोट 500 रुपये 1000 रुपये पर बिकता है, या ये वोट प्रभावित नहीं करता है। वोट प्रभावित 500 400 कौन करता है? तो जो उस मोहल्ले के दबंग लोग हैं वो प्रभावित करता है, तो लोग उसके साथ प्रोटेक्शन के लिए खड़े होंगे। कि एमएलए यहाँ नहीं आए होंगे क्योंकि इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई मुराद नहीं है, ना इनसे कोई मीडिया हाइप होती। वोट तो इन दबंगों से मिलेगा जिसने मरवा दिया, वोट वहाँ होगा। और जाति के आधार पर अपराध का चयनित होना, यही हिंदी पट्टी बिहार यूपी ही कर सकता। ये कौन जात, मर्डर किस जात का, मारा किस जात ने, इस किस बीच का बलात्कार किस जात ने किया, पैसा और ताकत लगाना हो लगा ले। कोई एक व्यक्ति इस परिवार में नहीं बचा। बेटी को टीवी है, वो बचेगा कि नहीं? अब इसके घर का कागज रखे हुआ, इनके पास जीने का कोई रास्ते नहीं है, और दबंग के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है। क्या थाना सिर्फ दबंगों के लिए थाना खोले जाते हैं? सिर्फ जमीन माफिया, बालू शराब माफियाओं के लिए थानेदार है? कि सर किसी कीमत पर जस्टिस होगी। एसएसपी साहब अभी मीटिंग में थे, मैसेज उन्होंने किया, हम बात करेंगे। आप भरोसा रखिए, मेरे जाने के बाद कभी आपने सुना है जहां न्याय ना मिला हो? न्याय तो मिलेगा, भले इनके बेटे को मैं लौटा के नहीं दे सकता हूं, इनके घर में सारे चिराग खत्म हो गए, कोई नहीं बचा। अब इसके कागज ऐसे ऐसे हो सकता है, वहाँ पहले भी कितनी घटना यहाँ कर चुके, दो दो बार पहले भी लोगों को मार चुका है, कितने जगह उनके कितने किस किस लोगों का डर होगा। यही सबसे बड़ा कारण क्या है, संविधान और कानून आम लोगों के लिए नहीं बचा, यह लोकतंत्र है ही पैसे वाले ताकतवर छप्पन माफिया नेता बालू शराब जमीन माफियाओं के, और दानापुर जाना ही जाता है इसके लिए। तो आपने सुना, पप्पू यादव ने बताया कि जहां वो पहुंच जाते हैं वहां न्याय जरूर मिलता है। पटना के एसएसपी से वो मिलेंगे, बात करेंगे, उनको मैसेज उन्होंने किया और आगे भी वो बात करेंगे। और देखिए, पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की है, उन्हें संतावना दी है कि जरूर उन्हें न्याय मिलेगा। साथ ही साथ थाने पर उन्होंने एक आरोप लगाया है कि क्या दबंगों के लिए थाना खुला है?
क्या दबंगों का जो बोलबाला है वो दानापुर में देखने को मिलता है? अब देखना है कि पप्पू यादव के पहुंचने से क्या इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है या नहीं। इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ हमारे Facebook पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।